तो नमस्कार दोस्तों, आज दोबारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही ली होगी कि जो व्हाट्सएप के बारे में हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, जो सारी बातें पहले से हो रही थी, आज मैं दोबारा उसके बारे में नई यूट्यूब वीडियो लेकर आया हूँ। आज वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो व्हाट्सएप का नया अपडेट आया है, आप अगर आपका जो स्टेटस है व्हाट्सएप के अंदर उसमें एक आपको नोटिफिकेशन शो होगा, जब आप उसको देख लोगे तो उसके बाद वो हाइड हो जाता है। तो वो अभी मैंने अपने फ़ोन के अंदर देखा था, मैं आपको अभी बताता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन के ऊपर। तो ये जो स्क्रीनशॉट है पहले वाला, इसके अंदर इन्होंने व्हाट्सएप ने डाला कि वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी पॉलिसी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी व्हाट्सएप ने बोला था कि हम जो व्हाट्सएप का डाटा है वो फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की कन्फ्यूज़न भी है, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो इनका ओनर है वो एक है, और ये तीनों कंपनियां सेम बंदे की है, तो वो अपने यूज़ के लिए कुछ भी करेंगे। एक बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है माइक्रो नीश का, जिसके अंदर आपको ये जो एड्स वगैरह दिखाई देती हैं, ये सारी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप कुछ फ्लिपकार्ट के ऊपर देखते हो या आप व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ऐसा टाइप करते हो जो आपको ख़रीदना है, तो वो आपको फ्लिपकार्ट पे या आप जैसे एम एक्सप्लेयर वगैरह चलाते हो वहाँ पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो ये सारा वहाँ से शुरू होता है। तो व्हाट्सएप ने अपने इस नए अपडेट के अंदर ये बोला है कि हम प्राइवेसी पॉलिसी रिलेटेड कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आपका डाटा शेयर हो कहीं पे भी। और उसके बाद इनकी जो अगली स्लाइड है उसके अंदर इन्होंने बोला है, व्हाट्सएप कांट रीड और लिसन टू योर पर्सनल कन्वर्जेशंस एज दे आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। जैसा कि अभी पीछे बोला गया था कि इन्होंने एंड टू एंड जो एनक्रिप्शन है उसको अब बंद कर दिया है, और फेसबुक के थ्रू ही आपका डाटा शेयर करेंगे, तो अभी इन्होंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया और ये कह रहे हैं कि हम आपका डाटा कहीं पे शेयर नहीं करेंगे, और जो आपका डाटा है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगा। मैं आपको ना सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कैसे होता है। ये आपका फ्रेंड है, इसने आपको मैसेज करना है, ये यहाँ से मैसेज करेगा, यहाँ पे सर्वर और यहाँ पे आपका फ्रेंड है। तो क्या होता है कि जब ये सिंपली आपको मैसेज करता है, अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन है तो यहाँ से इसने एनवलप ऐसे लिया, यहाँ पे सर्वर पे आया और एनवलप यहाँ आके आपके फ्रेंड को दिखा दिया। लेकिन अगर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है तो यहाँ से उठा के खुद देख के उसके बाद आगे अपने दोस्त को इस चीज़ को दिखाएगा। उसके बाद जो आता है हमारा है तीसरा मैसेज। व्हाट्सएप ने सिंपली चार जो स्टेटस है वो लगाए हैं, एक के बाद एक वो चार स्टेटस आपको दिखाई देंगे आपके व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर। जब आप देखोगे, हो सकता है कहीं हो कि मैं आके जा चुका हो, ये 10-15 मिनट के लिए रहता है और उसके बाद ये चला जाता है। तीसरा जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड के बाद आपकी लोकेशन है। जो आप लोकेशन अपने फ्रेंड को शेयर करते हो, तो व्हाट्सएप ने ये बोला है कि हम आपकी लोकेशन भी यूज़ नहीं करते हैं, ना हम ये पता करते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो। तो व्हाट्सएप ने उसके लिए भी तीसरा स्टेटस लगाया है कि हम आपकी लोकेशन जो है वो किसी को शेयर नहीं करते हैं। उसके बाद है, व्हाट्सएप ने बोला है कि जो हम आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह एक्सेस लेते हैं वो हम किसी से शेयर नहीं करते हैं, वो भी हम खुद के यूज़ के लिए रखते हैं, और हम उससे यूज़ करके ये देखते हैं कि किस किस को आपको मैसेज करना है और आपके कौन कौन से फ्रेंड व्हाट्सएप के ऊपर है। हम सिर्फ इतना आपका डाटा लेते हैं, उसके अलावा हम आपके डाटा का कोई यूज़ नहीं करते हैं। और उसके बाद लास्ट व्हाट्सएप ने ये बोला है कि ये जो लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई है कि हम उनका डाटा फेसबुक पे शेयर कर देंगे और लोगों तक उनका डाटा चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप ने उसके लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि हम व्हाट्सएप के ऊपर आपका कोई भी डाटा शेयर नहीं करेंगे, और आपका जो सारा डाटा है वो सारा का सारा सिक्योर रहेगा। अब मैं बताता हूँ कि ये कन्फ्यूज़न हुआ क्यों है, क्योंकि ना व्हाट्सएप ने थोड़े दिन पहले एक स्टेटस मैसेज लगाया था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि थोड़े दिन के बाद जो आपका व्हाट्सएप है उसके अंदर मे बी वे एड्स आने लग जाएंगे, जो कि नहीं हुआ। और व्हाट्सएप ने बोला था कि अकाउंट डिलीट हो जाएंगे, वो भी किसी के डिलीट नहीं हुए। और दूसरा इसका रीज़न ये है कि जो एकदम बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप की रेटिंग गिर गई है और लोगों ने सिग्नल ऐप को यूज़ करना शुरू किया है, उसके बाद से ये सारा हुआ है। वो व्हाट्सएप को डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और लोगों की प्राइवेसी के साथ अगर हमने ऐसा कुछ किया तो लोग व्हाट्सएप को छोड़ कर चले जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं और सिग्नल ऐप पर बहुत सारे लोग जा चुके हैं, क्योंकि टेलीग्राम जो ऐप है वो इतनी सेफ नहीं, वहाँ पे आपका डाटा सिंपली शेयर होता रहता है। जो ग्रुप्स वगैरह टेलीग्राम के ऊपर बनते हैं उससे आपका जो चैट है और जो डाटा है वो डायरेक्ट गूगल पे भी मिल सकता है। और व्हाट्सएप के केस में ये होता है, आपके ग्रुप के केस में, अगर आपका ग्रुप है और उसका लिंक अगर किसी ने कहीं शेयर कर दिया है तो वहाँ से कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है और आपका नंबर ग्रुप के थ्रू ले सकता है। लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप ने स्टेटस लगा के ये दिखाया है कि हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि आपकी प्राइवेसी है जो वो कहीं लोगों को पब्लिक हो जाए, ऐसा वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और ना उनका ऐसा कोई मोटिव है। उसके बाद फेसबुक ने बोला है कि अभी हम मार्च अप्रैल तक अपनी जो प्राइवेसी और पॉलिसी है वो सेम रखेंगे, और जो लोगों को कन्फ्यूज़न है उसके बारे में हम लोगों को बता देंगे कि ऐसा कुछ है नहीं जैसा लोगों को बताया जा रहा है। इन सब चीज़ों से ये पता लगता है कि व्हाट्सएप ने जो अपने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर अपडेट किए थे वो उन्होंने अपने व्हाट्सएप बिजनेस जो अकाउंट है
उसको ग्रो करने के लिए ये सब किया था। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसके अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ था कि हमारी अगर प्राइवेसी पॉलिसी को ऐसे पब्लिक किया जाएगा तो व्हाट्सएप के ऊपर केस किया जा सकता है, और उसी के लिए वहाँ पे एक FIR की गई थी। उसके बाद से मामला और ज़्यादा गर्म हो गया था और जिसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अभी मैं यही बोल रहा हूँ कि फिलहाल व्हाट्सएप ने वो जो टर्म्स एंड कंडीशन पहले लगाई थी वो उन्होंने बंद कर दी हैं, और अब आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हो, सिक्योरली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप को पता है कि अगर लोग यहाँ से चले गए तो हमारा बहुत सारा बिजनेस लॉस हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल ऐप पे लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं। उस ऐप को एलन मस्क, जो आज के टाइम में वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने रिकमेंड किया, और उसके बाद से तो जैसे तबाही आ गई। लोगों ने सिग्नल ऐप को मिलियंस में डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से व्हाट्सएप ने अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको चेंज कर दिया है, और आप व्हाट्सएप को आसानी से यूज कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और सही लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।